वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ न्यूज हाइस, जहाँ पे हम लोग सिनेमा जगत की छोटी से लेके बड़ी खबरों पे बात करते हैं, जहाँ पे ये हफ्ता काफी ज्यादा हैवी और सीरियस रहा। जहाँ पे सभी न्यूज़ पे बात करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि वीडियो के एंड में एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, तो प्लीज एंड तक देख लेना और उस पर्टिकुलर पार्ट को अच्छे से समझ लेना। तो शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। तो सलमान खान के घर यानी कि गैलेक्सी अपार्टमेंट जो कि बांद्रा में स्थित है, वहां पे सुबह के 5 बजे दो लोगों ने एक बाइक पे 5 गोलियां चलाई थी, जिनके फोटोज और फुटेजेस सामने आना चालू हो चुके हैं। एंड यस, यू हर्ड मी राइट, सलमान खान के घर के यहाँ गोलियां चलाई थी, सलमान खान पे नहीं, जिसकी कार्रवाई करेंटली चालू है। और अनमोल बिश्नोई जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई हैं, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की, इस पूरे इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जहाँ इसको लेके कोई और अगर अपडेट आती है तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सलमान खान की नई पिक्चर जो उन्होंने रिसेंटली अनाउंस की है, सिकंदर। अब इस पिक्चर की अनाउंसमेंट ना काफी टाइम पहले ही हो गई थी, लेकिन इसका जो टाइटल था वो रिसेंटली ही रिवील किया गया था पब्लिक के सामने। जहाँ इसका जो फर्स्ट शूटिंग शेड्यूल है वो 12 दिन का होने वाला है, जो कि अगले महीने से शुरू होगा। और इसका जो सेकेंड शेड्यूल है वो अगस्त में टेक प्लेस करेगा, जहाँ करेंटली मूवी की फीमेल लीड और मूवी का जो मेन विलन होगा उसके लिए एक्टर्स को ढूंढना चालू किया गया है, जिसे डायरेक्ट ए आर मुरुदास कर रहे हैं, जिसकी रिलीजिंग डेट 1 2025 को लॉक की गई है। होप सो तब तक शूटिंग खत्म हो जाए और पोस्ट प्रोडक्शन भी खत्म हो जाए और हमें एक ग्रैंड रिलीज देखने मिलेगी 1 2025 पे। जहाँ नेक्स्ट नितेश तिवारी की रामायण से रिलेटेड एक तगड़ा अपडेट है, और वो ये है कि जिसके जो प्रोड्यूसर है नमित मल्होत्रा, उनकी वॉर्नर ब्रदर्स के साथ बातचीत चालू है, ताकि वॉर्नर ब्रदर्स इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और इसको लेके जो मार्केटिंग होगी वो कराया जा सके। और ये तीनों ही पार्ट्स के लिए होगी, यानी कि रामायण Part 1, Part 2 and Part 3। अब जैसा कि तुम लोग जानते हो कि तीनों पार्ट आने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज को कवर करेंगे, जो अब इन तीनों का ही प्रमोशन यानी कि मार्केटिंग, दूसरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये वॉर्नर ब्रदर्स के साथ हो सकता है। अब देखो, इसको लेके कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन फिलहाल नहीं आई है, लेकिन हाँ बातचीत चालू है, जहाँ पे इस रामनवमी को चर्चे हैं कि भाई इसका जो प्रोमो है या जो इसकी एक प्रॉपर अनाउंसमेंट वीडियो है वो आ सकती है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और भाई पिक्चर बस अच्छी बना, जितना फिर प्रमोशन करना है, जितनी मार्केटिंग करनी है वो अपने आप मूवी कर लेगी, बस पिक्चर अच्छी बनाओ। नेक्स्ट बढ़ते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो इस हफ्ते दो पिक्चरें निकली हैं और दोनों ही काफ़ी बड़ी पिक्चरें हैं। एक है अजय देवगन की मैदान और दूसरी है टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां। जहां पे बड़े मियां छोटे मियां को लेके पब्लिक का उतना कुछ खासा अच्छा रिस्पॉन्स है नहीं, पब्लिक एक तरह से मूवी को क्रिटिसाइज ही कर रही है, लेकिन मैदान को लेके ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। लेकिन इसके जो रिस्पॉन्स है बॉक्स ऑफिस पे वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि मैदान ने अपने Day 3 के कलेक्शन को कंप्लीट करते करते, यानी कि वीकेंड का कलेक्शन कंप्लीट करते करते सिर्फ 25 करोड़ की कमाई की है। वहीं पे बड़े मियां छोटे मियां ने अपना जो वीकेंड का कलेक्शन कंप्लीट किया है वो अराउंड 76 करोड़ से भी ज़्यादा है। जहां पे इसके संडे के कलेक्शन को मिला लिया जाए तो आई गेस 100% का कलेक्शन हो गया होगा अब तक का। जहां पे भाई बुरा इस बात का लगता है कि एक और अच्छी पिक्चर पैसों के मामले में पिट गई। अगली खबर भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ से है। अब ये कुछ खासा बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इंपॉर्टेंट लगी तो मैं बता देता हूँ। तो इस मूवी के अंदर 8 मिनट का कट लगाया गया था, यानी कि 8 मिनट के जो कई सारे सीक्वेंसेस थे उन्हें काटे गए थे, और भाई अच्छा हुआ काट दिया, वरना ऑडियंस थिएटर के बाहर जिंदा नहीं निकल पाती। खैर छोड़ो, जोक्स अपार्ट, अब पिक्चर जैसी भी है, जो होना था हो गया। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे, जो आती है रजनीकांत के Jailer 2 से। एंड यस, Jailer 2 भाई प्रिपरेशन में है, उसके ऊपर काम चालू है। जहाँ पे अभी एक न्यूज़ ये आ रही है कि Jailer 2 के टाइटल को लेके पब्लिक थोड़ी आनातानी चल रही है, यानी कि मेकर्स के बीच में थोड़े से कंसिडरेशन चल रहे हैं, थोड़ी सी बहस चल रही है कि कौन सा टाइटल रखा जाए। जहाँ पे दो टाइटल इन्होंने फाइनलाइज किया है, एक है Jailer 2 और दूसरा है हुक्म। अब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई इस पिक्चर का हुक्म से क्या मतलब है, तो अगर तुमने पहला पार्ट देखा है तो इसका BGMI सुन भाई, बवाल है बवाल। हुक्म, टाइगर का हुक्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिंघम अगेन पे। तो सिंघम अगेन मोस्ट प्रोबेबली डिले हो सकती है, और वो इसलिए क्योंकि मूवी की कई सारे पार्ट्स को अभी भी शूट करना बाकी है, काफ़ी शूटिंग पेंडिंग है। जहां पे इस मामले में भाई मेकर्स अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं, क्योंकि पुष्पा 2 की शूटिंग जैसे तैसे जितनी हो सकती है ऑलमोस्ट शायद से कंप्लीट हो ही चुकी है, लेकिन मेकर्स यहाँ पे सिंघम 2 के मामले में इसे 15 अगस्त को शायद रिलीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी इसकी काफ़ी शूटिंग बची हुई है, जिसके कारण से ये दिवाली पे इसकी रिलीज़ शिफ्ट हो सकती है।
लेकिन हाँ भाई हो सकती है, इसको लेके कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, ये सिर्फ रूमर है। जब इसकी ऑफिशियल कोई न्यूज़ आएगी तो मैं बता ही दूंगा। जहाँ पे नेक्स्ट खबर बढ़ते हैं अपने महेंद्र सिंह धोनी यानी कि अपने माही भाई के बायोपिक के ऊपर। तो यस, इनका एक और बायोपिक आ रहा है जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस माही। अब देखो, इसको लेके कोई बड़ी अपडेट तो नहीं आई है, बस इसका एक पोस्टर आया है जो कि धर्मा प्रोडक्शन के अंडर बनेगी। बाकी तुम अपने ओपिनियंस इस पे ज़रूर बताना कि क्या है। जहाँ पे नेक्स्ट खबर आती है 12th फेल से रिलेटेड, तो मूवी 12th फेल ने अपने 25 हफ्ते थिएटर में कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये एक सिल्वर जुबली टाइप है जिसके लिए भाई इसकी जो टीम है उन्होंने सेलिब्रेट किया, केक वेक काटे गए, तो लेट्स कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड अब बढ़ते हैं भाई अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है भाई मेरा अनाउंसमेंट। तो देखो, अनाउंसमेंट बेसिकली ये है, अगर तुम अब तक रुके हो तो थैंक यू सो मच। अनाउंसमेंट बेसिकली ये है कि अब इस चैनल पे और भी ज़्यादा कंटेंट आएगा हॉलीवुड से रिलेटेड, यानी कि हॉलीवुड मूवी से रिलेटेड, हॉलीवुड चैनल से रिलेटेड, हॉलीवुड कंटेंट से रिलेटेड और भी सारा काफ़ी कुछ आएगा, जिसके लिए मैं पूरी प्रिपरेशन करके बैठा हूँ। बहुत कुछ आने वाला है, साथ ही साथ इंग्लिश सबटाइटल्स भी आएंगे और भी कई सारे लैंग्वेजेस में मैंने इसे सबटाइटल किया गया है। मेरी इस वीडियो में ही आपको कई सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी जिसमें मैंने इस वीडियो को सबटाइटल में रखा है, ताकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक, दुनिया भर के रीजन से लोग इस वीडियो को इंजॉय कर सके और समझ सके, और मेरी फ्यूचर वीडियोस को भी। जहाँ पे हमारा चैनल अभी एक्स अकाउंट पे भी आ चुका है, यानी कि ट्विटर पे, एक्स जो भी तुम समझना हो समझना, भाई मेरे को खुद कन्फ्यूजन होता है, तो एक्स अकाउंट पे भी हम लोग आ गए हैं, जहाँ पे मैं जो भी न्यूज़ मैं बताऊँगा, जो भी रूमर, जो भी अपडेट, जो भी फैक्ट्स, जो भी चीज़ें हम लोग बताएंगे वो हम लोग सबसे पहले अपने एक्स अकाउंट पे शेयर कर देंगे। तो अगर तुम्हें ज़्यादा चुल मची है अपने अंदर के शैतान को जगाने की, यानी कि न्यूज़ से रिलेटेड, रूमर्स से रिलेटेड, या साथ ही साथ बॉलीवुड या सिनेमा जगत से कोई भी खबरें, कोई भी कुछ भी, तो वो सबसे पहले मैं अपने एक्स अकाउंट पे डाल दूंगा। तो अगर तुम चाहो तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। तो यस, इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। मैंने जितनी भी न्यूज़ थी वो सारी कवर कर दी, अपनी अनाउंसमेंट को भी बता दिया, मैं सारे लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम चाहो तो फॉलो कर लेना, ना चाहो तो भाई ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। तब तक के लिए तुम देख रहे हो RP Verse, मैं हूँ राहुल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।